कोरोना से बूढ़े और कमज़ोर अफराद पर हमला करती है, ये भी गलत तासर है। न्यूयॉर्क जहाँ ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार है, हर फर्द सुबह से रात गए तक काम में मसरूफ़ और दौड़ते भागने के बावजूद ज़ाती वर्जिश से भी दूर नहीं रहता। अगर आपने अब तक गोया लाइव टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें और हर नई आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कहा जाता है पूरे अमेरिका में सबसे ज़्यादा फिट, खुश लिबास और चाको चौबंद न्यूयॉर्क में दिखाई देते हैं। माइक जब बीमार पड़ा, उसे पता चला कि वो कोविड-19 का शिकार हो चुका है। उससे पहले वो रोज़ाना 5 मील की वॉक और अपने 5वीं मंजिल रिहायशी अपार्टमेंट से हमेशा लिफ्ट के बजाय जीनों से पैदल जाने का आदि था। अगर आपको न्यूयॉर्क शहर का अंदाज़ा हो तो दो बातें तो ज़रूर जानते होंगे, जागता शहर और मसरूफ़ ज़िंदगी। इसलिए जब मैं बीमार पड़ा तो सोचता रहा कि अमेरिका के बकिया दूसरे शहरों का क्या हाल हो सकता है, जहां लोगों की ज़िंदगी निस्बतन कम तेज़ रफ्तार और सहल पसंद है और कोरोना को कोई आम बीमारी समझकर अहमियत नहीं दे रहे हैं। न्यूयॉर्क में 20,000 से ज़ायद इंसान को खा गई ही है ये वबा। मुझे अपनी सांसों में जब दुश्वारी महसूस हुई, मैं सोचता रहा ज़्यादा दौड़ से ही कैफियत तारी हो गई है। लेकिन जब हॉस्पिटल के बिस्तर पर मेरे चेहरे पर मास्क और आंखों में मुख्तलिफ आलात लगाए गए तो मैं खौफजदा हो गया। मैं तो जवान हूँ, साथ के बिस्तर पर लेटा हुआ एक मोहम्मद शख्स ने बताया, 1 माह से वो एडमिट है, इसे दिल का आर्जा था, अब तक उसकी नज़रें मेरा ताकुब करती हैं। डॉक्टर ने मेरे करीब आकर पूछा, दमा रहा है तुम्हें? सांस की कभी तकलीफ, सीने में दर्द, गले में खराश ही अमूमी आदत। मैंने कहा, नहीं, मुझे तो याद नहीं 2 अशरों से कभी बीमार भी पड़ा हूँ। डॉक्टर ने छुपे हुए चेहरे से झांकती हुई आंखों से मेरी तरफ देखा, अल्लाह करे मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूँ। अल्लाह का शुक्र है मैं 27 रोज़ हॉस्पिटल में रहा, वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। मालूम हुआ नमूनिया का शदीद हमला हुआ है मेरे ऊपर। हॉस्पिटल से निकल जाने के बावजूद अब तक मैं थोड़ी सी वॉक नहीं कर पा रहा हूँ, सांस फूलने लगती है। मैं अब अपने अमरीकी दोस्तों और पूरी दुनिया के आवाम को यही बता सकता हूँ, खुदारा इस वबा को संजीदगी से लें, मजाक ना लें, ये भी तासर ना दें कि सिर्फ बूढ़े या कमज़ोरों पर हमला करेगा। न्यूयॉर्क बहुत बड़ा शहर है, कोई एक दूसरे को नहीं जानता, इसलिए हमें बहुत कम पता चलता है किस पर क्या बीती। लेकिन मैं सोच सकता हूँ कि छोटे शहरों में जहाँ लोग ख़ानदान की तरह रहते हैं, एक दूसरे से करीब, वहाँ ये वबा किस तरह हमला कर सकती है। मुझे अब भी याद है मोबाइल पर बात करने की भी सकत मुझ में बाकी नहीं रही थी। मैं वापस अपने अपार्टमेंट में आ चुका था। घर पर दीवारों पर लगी पेंटिंग और बिखरे हुए अखबारात और किताबें मेरी ज़िंदगी रह चुकी थी, यही मेरी साथी थी। कौन कहाँ है, कैसा है, कुछ नहीं पता लग रहा था, सिवाय टीवी स्क्रीन पर मरने वालों के ढेर को फ्रीज़र नुमा गाड़ियों पर लाते देखकर दहशतज़दा होने के। मैंने सबक भी सीख लिया कि ख़ुद पर नज़र रखने और अपने हालत और कैफियत से बर वक्त वाकफियत भी आपको बचा सकती है। जर्मनी में डॉक्टर्स घर पहुंचकर इलाज करते हैं, लेकिन अमेरिका में आपको इमरजेंसी में पहुंचकर ही इलाज कराना मुमकिन है। 1 माह होने को है, लेकिन आज भी मैं सोने में बेचैनी महसूस करता हूँ। दौड़ने या तेज़ भागने की ताकत नहीं। मैं अपने मोबाइल पर अपने पुराने दोस्तों से बातें करके खुश हो जाता हूँ। शायद दोस्तों से ये कुर्बत न्यूयॉर्क में मुझे पूरी ज़िंदगी नसीब नहीं हो सकती थी अगर वबा हमला नहीं करती। रात गए जब अपार्टमेंट बिल्डिंग के कंपाउंड में एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ सुनता हूँ, कांप जाता हूँ। जाने किसका नंबर आ गया, कौन छोड़ जाने को तैयार हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ अमेरिका में अमवात की शरह सबसे ज़्यादा क्यों, क्या हमारा मेडिकल सिस्टम कमज़ोर है, सियाह फाम और गरीब इसका शिकार क्यों, क्या उनमें गुर्बत ने मुदाफियत की सलाहियत कम कर दी है। मैं अब सेहतमंद हो रहा हूँ, लेकिन जो चले गए कैसे भूल पाऊँगा। 67 साला 5 ब्रिगेड का कारकुन जिसने 9/11 की दहशतगर्दी में अपनी जान पर खेलकर हज़ारों को बचाया, आज अपनी ज़िंदगी की जंग हार गया। 33 साला समाजी उलूम का उस्ताद चंद दिनों में दुनिया छोड़ गया। 23 साला खूबसूरत दोशीज़ा जो न्यूयॉर्क में अपने रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब सजा कर आई थी, खामोशी से नींद की आगोश में चली गई। मैं अपार्टमेंट की तरफ चहलकदमी करते हुए दीवारों को रोते हुए अपने कानों में सिसकियों की आवाज़ें सुन सकता हूँ। रात भर शबनम से भीगी हुई दीवारें आँखों से तर लगती हैं।